सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ स्नैक्स रेसिपी, जो है सुबह के नाश्ते के लिए या फिर बच्चों के टिफिन के लिए या फिर शाम की चाय के साथ। रेसिपी का नाम है मेदू वड़ा, जो बनता है लगभग हर जगह दाल को भिगो के, उड़द की दाल को भिगो के, बट यहाँ पर बहुत ही झटपट बन जाने वाला, आसानी से बन जाने वाला मेदू वड़ा का ऑप्शन लेके आई हूँ मैं। वो है सूजी और चावल के आटे से बना सकते हैं मेदू बड़ा को फटाफट आप। इसकी तैयारी बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें कुछ भी भिगोना और पीसना नहीं पड़ेगा आपको। चावल का आटा सूजी तो मिलता ही है, सबके घर में पड़ा ही रहता है सूजी, और चावल का आटा भी आजकल हर शॉप पे आसानी से मिल जाता है। किसी भी ग्रोसरी की शॉप पे या किसी भी स्टोर में जाएं, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। या आजकल जो आटा पीसने वाली चक्की की शॉप है, वहाँ भी आसानी से मिल जाता है। तो चावल का आटा भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और चावल का आटा भी सूजी बेसन मैदा की तरह आप स्टोर करके रख सकते हैं डिब्बे में। और इसका भी बहुत सी रेसिपी बनती है, आप डोसा बना सकते हैं चावल के आटे का बेसन के साथ मिला के, या उड़द की दाल का भी आटा मिल रहा है। तो आजकल हर तरह का आटा बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है शॉप पे, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो घर पे रखे सूजी और चावल का आटा और फटाफट बनाए मेदू वड़ा। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, मेदू वड़ा की रेसिपी को। बड़ा बनाने की रेसिपी को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 कप सूजी, रवा जिसे बोलते हैं, और सूजी मोटा या पतला जैसा भी हो आपके पास, आप बना सकते हैं आसानी से उस सूजी के साथ। 2 कप मैंने, छोटा 2 कप मैंने डाल दिया है सूजी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा 1 कप। तो बस बिल्कुल बहुत ही इजी मेजरमेंट है, 2 कप आप सूजी लेंगे और उसका 1 भाग लेंगे चावल का आटा, तो पूरा मिला के हुआ है 3 कप। तो उसका हाफ लेंगे हम दही, यानी कि 3 कप का हाफ होगा 1.5 कप दही लेंगे हम। दही फ्रेश लें, खट्टी ना हो दही। और ये डाला और 1/2 कप, और इसी में डाल लेंगे हम प्याज। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था मैंने, जिसे बारीक काट लिया है। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्च के टुकड़े डाल देंगे, और यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का दरदरा कूटा हुआ या पीसा हुआ, कौरसली पीसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट, और कुछ धनिया पत्ते। और यहाँ पे दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया 1 छोटा चम्मच के लगभग डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच के लगभग डालेंगे हल्दी, 1 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच के लगभग, और नमक डालें स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर भी डालें 1/2 छोटा चम्मच के लगभग। अभी यहाँ पर इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। बिल्कुल इसका जो हमें बैटर तैयार करना है, जैसे हम उड़द की दाल का बड़ा बनाने के लिए बैटर को तैयार करते हैं, उड़द की दाल को पीसते हैं, उसी कंसिस्टेंसी में इसको भी रखना है। तो दही डालने के बाद पहले अच्छे से फेंट लें, हाथ की सहायता से फेंट लेते हैं, फिर देखते हैं अगर पानी की रिक्वायरमेंट हुई तो पानी डालेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह का डो तैयार हुआ है, जितना हमने दही डाला था। मैंने अभी पानी का यूज़ नहीं किया है, बट इसको हल्का सा ढीला करना है। तो यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच लगभग पानी डालेंगे और इसको हल्का सा ढीला कर लेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे। तीन बड़े चम्मच के लगभग पानी मैंने और डाला है। ये ध्यान रखिए कि सूजी है और सूजी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करती है पानी को, थोड़ा सा सोखती है पानी को। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का जो ढीला हो गया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमें मेदू बड़ा बनाने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी को रखना है, और सूजी पूरी तरह से इसमें फूल के नरम हो जाए तो इसे 20 मिनट के लिए ढक के हम साइड में रख देंगे और फिर शुरू करेंगे इसका मेदू बड़ा बनाना।
तो यहाँ पर गीले हाथ से मैंने इसको सेट करके रख दिया है, इसे ढक के रखते हैं 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसे सेट किए हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और पूरी तरह से सूजी इसमें नरम हो चुका है। तो बस लास्ट में थोड़ा सा इसे बहुत ही नरम बनाने के लिए डालेंगे हम खाने वाला मीठा सोडा, जो आधा छोटा चम्मच से लेकर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, नहीं तो आधा छोटा चम्मच डालें। तो इससे मेदू वड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। और हल्का सा पानी डाल के इसको पूरे बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर अच्छे से ऊपर से नीचे करते हैं, मैंने इसे सोडा को मिक्स कर लिया है और अभी हाथ धो के अच्छे से फिर हम इसका मेदू बड़ा बनाना शुरू करते हैं। और एक साइड मैंने रख दिया है कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम सिम पे कर दें और ध्यान रखें कि मेदू बड़ा बनाते हुए तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो वो ऊपर से बिल्कुल जल्दी से वो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो इसका जो मेदू बड़ा बनाने का प्रोसेस है, हथेली को पूरी तरह से इस तरह से पानी से गीला कर लें और जितना साइज जितना छोटा बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से बैटर को ले लें और इस तरह से लेके पानी हथेली में लगाते हुए इस तरह से गोल राउंड में सेट कर लें और इस उंगली की सहायता से इसमें होल बना लें और धीरे से इसमें डालें ताकि तेल आपके ऊपर ना आए, तो बहुत ही आराम से डालें। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। और इसको भी धीरे से एक साइड में डाल दें। एक बार में कढ़ाई में जितनी आराम से खुले खुली जगह लेते हुए मैं बड़ा को डाल सकें वैसे ही डालें, बहुत कंजस्टेड ना करें। आप अपनी हथेली को गीला करें और इस पर आप अपनी हथेली को अप्लाई करें गीले हाथ के साथ, तो बहुत ही आराम से ये राउंड शेप ले लेते हैं और इस तरह से होल हो जाता है और इस तरह से धीरे से तेल में आप छोड़ सकते हैं। डालते हुए गैस का फ्लेम सिम पे कर लिया था, जब आपको लगे कि तेल ठंडा हो रहा है तो आप गैस का फ्लेम हाई पे कर लें और फिर देखें कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो फिर मीडियम हाई फ्लेम पे इसे करके आप मेदू बड़ा को तैयार कर लें। और जैसे ही मेदू बड़ा थोड़ा सा अंदर से या नीचे से थोड़ा सा पक जाता है तो अपने आप ये तले को छोड़ के ऊपर आ जाता है। तो दोनों साइड इसको पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तेल का बिल्कुल ध्यान रखें, तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना होने दें। जैसे ही आपको लगे तेल गर्म हुआ है बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम हाई से भी थोड़ा सा कम कर लें और धीरे धीरे इसे पका लें। तो यहाँ पर ये जो हमने पहला सेक्शन सेक्शन डाला है वो हमारा तैयार हो चुका है। कलर बिल्कुल इससे ज़्यादा डार्क ना होने दें मेदू बड़ा का, और इसे निकाल लें नैपकिन किचन टॉवल पे। इसी तरह से बचे हुए बैटर के साथ सारे मेदू बड़ा हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरे मेदू बड़ा बन के तैयार हो गए हैं। तो 14 से 15 उतने इंग्रेडिएंट के साथ मेदू बड़ा बन के तैयार हो सकते हैं और ये बड़े ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं अंदर से बहुत ही बिल्कुल फूले फूले छेद वाले बिल्कुल नरम सूजी के मेदू बड़ा तैयार हैं। तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता है और फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसे हम किसी चटनी के साथ खाएं तो घर की बनी हुई चटनी हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको दही की चटनी घर पे कैसे बना सकते हैं वो मैं दिखा रही हूँ मेदू बड़ा के साथ खाने के लिए। मैंने लिया है थोड़ा सा दही और इसमें डाला है जो हमने कोर्सली अदरक और लहसुन को पीसा हुआ था उसी को डाल लेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आप अदरक का चाहते हैं उसको मिक्स कर लें। और यहाँ पर पुदीना का पत्ता है जो थोड़ा सा ड्राई करके रखा है मैंने,
और इसका ड्राई करना बहुत ही आसान है। पत्तों को तोड़ के धो के आप फ्रिज में छोड़ दें ऐसे ही वेजिटेबल बॉक्स में, तो ये ड्राई हो जाते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, और आप इसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाएँ और इसे हम दही में मिक्स कर सकें। तो बहुत ही पुदीने के साथ जो इसका फ्लेवर चटनी का आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं इसके पुदीना के, और इसको ऐड कर लेते हैं 1 से 2 छोटे चम्मच इसमें मिक्स कर लें। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो लगभग 2 से 2.5 बड़े चम्मच पुदीना का मैंने ये ग्राइंड किया हुआ डाल दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च तीखापन के लिए, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं बट मैं यहाँ पे काली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। और डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार काला नमक इसमें। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और ऊपर से कटा हुआ हल्का सा धनिया पत्ता डाल दें ताकि कहीं कहीं धनिया पत्ता थोड़ा सा इसमें मिक्स किया हुआ दिखेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस ये दही वाली चटनी मेदू बड़ा के साथ खाने के लिए तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे अगर अभी तक सॉरी अगर आप ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरी वीडियो तुरंत देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।